अज हुशियारपुर च नंगल शहीदा च स्थित रोहन राजदीप टोल प्लाजे से काम करने वाले कर्मचारियों वालों टोल कंपनी विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके कंपनी विरुद्ध नारेबाजी करदिया पत्रकारों को जानकारी देंदिया टोल कर्मियों ने दसिया कि जिस दिन तो किसानों वालों संघर्ष किया जा रहा है उस दिन तो टोल प्लाजे भी बंद पे ने हुण अजिहे विच टोल कंपनी मैनेजमेंट बोर्ड वालों 18 मार्च को टोल कंपनियों को बंद करने की गल कह दी गई है जिस कारण टोल कंपनियों पर काम करने वाले समूह मुलाजमान के सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। उन्होंने कहा कि टोल कंपनी वालों मुलाजमान को घर जाने की गल आख दी गई है तो तनखाह का कुछ हिस्सा देने की गल भी आखी गई है परंतु तनखाह देने संबंधी कंपनी वालों मुलाजमान नाल कोई भी लिखती समझौता नहीं किया गया। इस मौके टोल मुलाजमान वालों किसान जथेबंदी नूं मंग पत्र भी दिता गया जिसते भरोसा दवाउंदे आ किसानों ने कहा कि उन्हां वालों उक्त मामला सीनियर लीडरशिप के ध्यान च लिया दिता जाएगा। इस मौके टोल मुलाजमान वालों एक मंग पत्र नंगल शहीदा टोल प्लाजे के मैनेजर भुपिंदर सिंह नूं भी सौंपिया गया। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। मैं कुलविंदर लाल प्रधान टोल प्लाजा पंजाब साडा अज दा रोस प्रदर्शन ये सीगा कि असी पिछले 15 साल तो इस कंपनी टोल प्लाजा के काम कर रहे हैं। अज कल साढ़े जी एम साहब आए थे वो सानू कह रहे हैं कि 18 मार्च में असी ये पक्के टोल प्लाजा बंद करके जा रहे हैं तो असी हुण ये किसान जथेबंदियों अगे मंग रखी है कि असी जदों तो भी संघर्ष चल रहे हैं असी किसानों का साथ दे रहे हैं पर अज साढ़े ते साड़ी नौकरी नूं खतरा पैदा हो गया जिस नाल कि हज़ारां पंजाब च नौजवान बेरोजगार हो जाने। साड़ी यही मंग करते हैं कि जिथे किसानों के नाल असी खड़े हैं हुण किसान जथेबंदियां भी साडा साथ देण। कारण की दस्सिया उन्होंने टोल प्लाजे क्यों बंद करने? कारण सर ये है वो कहिंदे वी असी 6 महीने तो तुहानूं सैलरी दे रहे हैं पर हुण वी साडी बस कंपनी दी किसे पास इनकम है नहीं पर असी कंपनी दे अगे मंग करदे हां कि असी 15 साल तुहानूं कमा के दिता कि जिथे कंपनी का तो भाई जी टाइम बढ़ के मिल जाना सिर्फ हुण यही है ये विच वर्कर ही मारिया जाना कि वर्कर का नुकसान हो रहा अभी कहने भी जिथे कंपनी को टाइम बढ़ के मिल जाना उत्थे वर्करा की भी लगातार सैलरी जारी रखी जाए। नहीं वो सर है तो उदों तक है जो तक संघर्ष चल रहा पर यदि कोई पक्की उम्मीद नहीं ना कदों तक चलूगा क्योंकि इस तो पक्के मुलाजम है 15-15 साल तो काम कर रहे हैं साडा इतों रुजगार चलता घर का गुजारा चलता नहीं सर वो 45% कह रहे हैं पर यदा कोई पक्का नहीं ना पता कि कदों तक देणगे वो गल करके दसांगे जो भी फैसला लिया जाएगा दस दिता जाऊगा। मैं समर्थन यही कह रहा कि जिहड़ी टोल प्लाजा कंपनी है जदों पहला गड्डियां ज्यादा तादाद विच लंघदियां सी ते उदों भी कोई कंपनी ने इन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिता कि अज जो गड्डी 200 लंघी है तो इन्ने पैसे मिलूंगे तो जो 1000 लंघी तो इन्ने मिलूंगे तो जे पूरे मुल्क से जो आफत आ गई आ तो वो जी आफत साढ़े जोड़े मुलाजम आ इन्हों ना बेरोज़गार तुम करो जो तो सरकार ने थोड़ी पीरियड के एक्सटेंशन ला देनी आ तो भाई जेडे ये जे मुलाजम आ इन्हों की तनखाह ना रोकी जाए क्योंकि इन्होंने परिवार आ जोड़े वो थोड़ी तनखाह के नाल ही चलते हैं तो जो मुलाजमान ने 100-100 की स्पीड के जेडे मोहरे खड़ के गड्डिया रोक के थोड़ा पैसे कमा के दते जे अज जे थानू 6 महीने बंद करना पै गया तो कोई बड़ी गल नहीं होगी। ये मुलाजमान का कंपनी को साथ देना चाहिए सरकार ने भी यही बेनती करनी चाहना कि ये जे मुलाजम आ इन्हों को एक एक सोर्स आ वो हैगी आह वाली नौकरी तो इन्हों बेघर ना किया जाए इन्हों की नौकरी आ वो बचाई जाए। आप जी दे मैं सारयां दे ध्यान च लिया लवां कि कंडी किसान यूनियन जिहड़ी जिस दा गठन हुणे हुणे होया उस दा मैं सलाहकार हाँ जिस तक टोल प्लाजे दीआं कर्मचारियों दीआं मंगां दा सवाल आ ते उन्होंने सानू मंग पत्र दिता। मैं अपने तौर ते महसूस करदा हाँ कि ये जिहड़ा टोल प्लाजे दे कर्मचारियों नूं बेरोज़गार करन दा कंपनी वालियां ने ते सरकार दी शह दे उत्ते जिहड़ा कदम चुकिया ये मंदभागा आ। मैं टोल प्लाजा कर्मचारियों के नाल इन्हों की हर मंग के नाल सहमत हाँ तो इन्हों के नाल मैं चट्टान वांग खड़ा हाँ जिथे भी ये कहेंगे मैं उन्होंने नाल ते कंडी किसान यूनियन जिहड़ी हैगी जिहदा हुणे हुणे नवां नवां गठन होया वो इन्हों दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ेगी। ये साडी असी केंद्रीय जथेबंदियां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्होंने नाल अज राबता कायम करके उन्हां दे नाल उन्हां कोलों हदायतां लवांगे भी इहो जिही समस्या जिहड़ी हैगी है हुशियारपुर ज़िले दे विच आई आ असीं इस दा किस तरह निपटारा कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद अपने तौर दे उत्ते किसी किस्म दी कोई अध्यक्ष पोस्ट ते नहीं
जो मैं किसी कार्यकारी नौकरी के उत्ते नहीं है तो जो मैं थोड़ा कह देव भी असी आह कर देवे जो कर देवे असी थोड़ियाँ मंगा के नाली हम थोड़े ना सा पूर्ण हमदर्दी है क्योंकि तुम एक बंदा बेरोजगार होंगे तो वो उसके दो बच्चे एक बीवी एक खुद के दो उसके माँ प्यो जोड़े ने उन्होंने ढिड के उत्ते लत बजती है। मैं उम्मीद करता हाँ कि जी कंपनी हैगी जो इस मंग पत्र दोगे असं भी किसान जथेबंदियों वालों टोल प्लाजा कर्मचारियों दंगा जड़िया है उन्हों का ध्यान थोड़ी तो मैनेजमेंट के ध्यान हित असी लिया की कोशिश करा तो हर संभव जतन करा कि टोल प्लाजा कर्मचारियों किसी किस्म की कोई आर्थिक औकड़ ना। बस ठीक है अभी आप जी हायर अथॉरिटी पजा देंगे जो भी अगे हो दस देंगे फैसला उन्होंने नहीं ये नहीं है तो इशू उदे बन गया बाहर वाले का की है जो महाराष्ट्र वगैरह के जो कल टोल स्टार्ट हो गया उन्होंने आन च मुश्किल होंगी है इसलिए कहते एक एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड रखे उन्होंने होर नहीं पी इसलिए नहीं सिर्फ तीन बंदे एक टोल से रहूंगे एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो भी एसेट है कंपनी का ध्यान रखूंगे नहीं नहीं इदा कुछ नहीं पक्की इंप्लाई है टोल चाहे हो जाए हाले बंदे टोल लाइन है नवा बंदा एकदम अभी बिठा नहीं सकते महीना एक तो सीख लग जाता काम इसलिए सानू पुराने बंदे जिहड़े अपने आ वो साडे परमानेंट इंप्लाई है।